आईडी का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है और इसमें साथ साथ एक चीज ये भी बोली गई है कि योर एक्स इज ग्रेटर देन -1। ये कुछ ना कुछ वजह होती है इन सब की देने की। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि देखो यहाँ पर अगर आप एक्स -1 ले लोगे तो वो लॉग 0 हो जाएगा, लॉग 0 आपका एक वैलिड आउटपुट नहीं देता, इसलिए -1 से उसने बड़ा रखा बोला है, चाहे थोड़ा सा भी हो पर बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब अपने डोमेन में, डोमेन डोमेन ये दे रखा है साथ में, यानी कि जब कभी भी आपका एक्स ग्रेटर देन -1 होगा ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ये कहना चाहता, तो आपको ये शो करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि आपको डिफरेंशिएट तो करना ही होता है, उसका स्लोप तो पता करना ही होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालते हैं इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें लॉग का हमारा डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर 1/x नहीं होगा क्योंकि 1+x है, तो वही लिखोगे आप। और 1+x का आप, क्योंकि चैन रूल भी लगेगा साथ में, 1+x का डेरिवेटिव करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका 1 का 0 और एक्स का 1, तो मल्टीप्लाइड में 1 ही रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस, अब यहां पर आप अपना क्वेश्चन रूल लगा लीजिए। तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला यानी कि 2x है जिसका डेरिवेटिव होता है 2 माइनस ऊपर वाला जो कि है 2x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले में 2 का हो जाएगा 0 और 1 का हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 असल में, तो x का 1 हो गया और नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का हमने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये माइनस आपका इधर है भाई, और इसको आप खोल लेते हैं, तो अगर खोलते हैं तो ये आपका बनता है 4 और प्लस का 2x और माइनस का 2x, तो 2x कट जाएगा, तो ये 4 के अपोन में ही आएगा भाई, 4 के अपोन में आएगा 2+x का होल स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इसमें इसमें फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर हम इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, तो 1+x और यहाँ पर 2+x का होल स्क्वायर, तो 2+x का होल स्क्वायर इधर लिखा जाएगा, 2+x का होल स्क्वायर और -4 और 1+x ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 4+x² प्लस का 4x, ठीक है, और -4 और -4x, और नीचे अभी आप कुछ मत करो, अभी ऐसे ही चलने देते हैं इसको, इसको नीचे को एक्सपेंड नहीं करते। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4x से 4x कट गया और 4 से 4 कट गया, तो ये हमारा बन जाता है x² और 1+x और 2+x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर से देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें स्क्वायर की दे रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। आप ये देखिए, ये जो है आपका स्क्वायर जब भी होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती हैं चीज़ें। और एक चीज़ उसमें और देखिए साथ साथ, कि आपका जो x है ना, एक्स जो है यहाँ पर आपका ग्रेटर देन -1 लेना है, तो -1 से बड़ा लेने पर आप देख सकते हो, ये जो दोनों मैंने दिखाए हैं, ये दोनों के दोनों जो हाईलाइट किए हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा और ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर आप इस पे भी ध्यान दें, अगर -1 से भी अगर आप चीजें कोई बड़ी लिखते जा रहे हो, -1 से बड़ा क्या होगा आपका, -k 0.5, 0 ऐसे सो ऑन सो, मतलब -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, यानी कि आपका, जैसे कि मैं बताता हूँ, नंबर 9 पे -1 को इंक्लूड नहीं करना और इस तरफ जाना है आपको, इस तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर, तो आप देख सकते हो ये भी आपका हमेशा प्लस का ही रहने वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव कब होता, ये नेगेटिव भी -1 पर तो 0 हो जाता, -1 से कम करने पर नेगेटिव होता, तो ये भी आपका जो हिस्सा है ना, ये वाली टर्म जो है, ये भी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो आप इसमें देख सकते हो कि अपने डोमेन पे, जो कि x आपका ग्रेटर देन -1 है, योर dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ऑन x ग्रेटर देन -1, ये हमेशा dy बाई डी एक्स पर आ रहा है।
तो देयरफॉर आप सीधा लिख सकते हो, फाइनली आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर योर वाई इज इंक्रीजिंग, ऐसे लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में पूरा लिखना, इंक्रीजिंग ऑन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, और क्योंकि शो करना था तो लास्ट में आप ऐसे लिख दो प्रूव्ड।